हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन आज हम पढ़ते हैं एल और एंड कीटोन्स के तहत सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स के बारे में कुछ और बातें अब तक हम एल और कीटोन्स के कई संश्लेषण uh, की विधियां पढ़ चुके हैं आज हम कुछ और विधियां पढ़ते हैं कीटोन्स के संश्लेषण के बारे में सबसे पहले जो हम आज देखेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एक्टिव हाइड्रोजन और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स किसे कहते हैं मिथिलीन ग्रुप जो होता है वो सी एच टू ग्रुप होता है वो एक्टिव कब होता है एक्टिव तब होता है जब ये सी एच टू ग्रुप के जो हाइड्रोजन्स हैं वो आसानी से एच प्लस के रूप में एच प्लस के रूप में ये निष्कासित किए जा सकें किसी बेस के द्वारा हमें मालूम है कि ये जो कोवलन बॉन्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सी एच बॉन्ड होता है वो कोवलन बॉन्ड होता है और इसमें से एच प्लस का निष्कासन इतना आसान नहीं होता जबकि हमें ये भी मालूम है कि आयनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे एच सी एल इसमें से एच प्लस का निष्कासन किसी क्षार के द्वारा आसान होता है तो ऐसी क्या कंडीशन होती हैं कि ये जो सी एच टू ग्रुप है इसके जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हो जाएं एक्टिव हो जाएं यानी एच प्लस के रूप में इनका निष्कासन हो जाए और ये जो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं चाहे वो सी एच टू ग्रुप हो चाहे वो सी एच ग्रुप हो जैसे भी हो, ये दोनों तरह के जो हाइड्रोजन्स हैं यानी मिथाइन हाइड्रोजन या मिथिलीन हाइड्रोजन ये एक्टिव तब कहलाते हैं जब जब कार्बन और हाइड्रोजन के बंद का जो बंद होता है ये वीक बॉन्ड होता है और इसको आसानी से तोड़ना तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार से तोड़ा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास रह जाएँ और इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के बाद c माइनस और H प्लस का निर्माण हो तो ऐसी जब कंडीशन आती है ऐसी स्थिति जब आती है दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स और अगर वो सी एच टू ग्रुप है तो उसे कहते हैं हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड इज दैट सी एच टू ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड वह सी एच टू धारित धारण करने वाला यौगिक है सी एच टू वा ग्रुप वाला यौगिक है विच इज अटैच टू स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स लाइक सी डबल बॉन्डो सी ओ ओ आर एनओ टू सी एल एक्सेट्रा यानि ये जो ये ऐसा सी एच टू ग्रुप है जो कि सीधे सीधे डायरेक्टली किसी स्ट्रॉन्गली प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप के साथ बॉन्डेड है बंधित है जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ आर एन ओ टू इत्यादि आप ये ध्यान दीजिए कि ये सभी जो ग्रुप्स हैं अगर वो कार्बन वाले ग्रुप्स हैं तो उनमें सी के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर कोई भी एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है किससे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एटम्स हो सकते हैं या कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो भी कही कहीं ना कहीं डबल बॉन्डेड है तो ऐसी स्थिति में जो ये कार्बन है उसके बॉन्ड से ये कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन या इस तरह से कार्बन कार्बन या कार्बन सीएल बॉन्ड कार्बन सीएल बॉन्ड जो भी होंगे इन बंधों से ये समूह जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन एट्रैक्ट कर लेते हैं जिससे कार्बन पर मिथिलीन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिस वजह से देखिए ये अगर सी एच है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहे हैं दूसरे समूहों इस कार्बन से तो ऐसी स्थिति में कार्बन भी कार्बन हाइड्रोजन बंध से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लग जाता है हमें मालूम है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो वो उससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा और ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाता है और जिस वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंद है वो वीक हो जाता है दुर्बल हो जाता है कोई भी बेस जो है ऑर्गेनिक बेस वो जो है वो हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में यहाँ से निकाल सकता है तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं तो आज हम पढ़ेंगे कार्बनाइल कंपाउंड का संश्लेषण कीटोन्स का सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन और एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड एनी सी एच ग्रुप अटैच इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप इस इज एक्टिव हाइड्रोजन तो इस तरह के जो एक्टिव हाइड्रोजन इसको एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है अम्लीय हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है तो so, कोई भी सी एच ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हुआ है वो एक्टिव सक्रिय या फिर अम्लीय हो जाता है इन एक्टिव हाइड्रोजन और एक्टिव सी एच टू और एक्टिव सी एच ग्रुप सी एच बॉन्ड इज वीक एंड सच हाइड्रोजन कैन बी एब्सट्रैक्ट एज एच प्लस बाई एनी ऑर्गेनिक बेस तो किसी एक्टिव हाइड्रोजन या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में द सी एच बॉन्डेज वीक कार्बन हाइड्रोजन बंद दुर्बल होता है और ये इस तरह के जो हाइड्रोजन है वो किसी भी ऑर्गेनिक बेस के द्वारा एच प्लस के रूप में निष्कासित कर लिए जा सकते हैं इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आज हम पढ़ रहे हैं एसिडोसिटिक एस्टर से कीटोन डिजायर्ड इच्छित कीटोन का संश्लेषण देखिए एसिडोसिटिक एस्टर है ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ये क्योंकि इस कार्बन से एक तो सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं दूसरी तरफ सी ओ ओ ई टी एस्टर जुड़ा हुआ है तो यानी दो साइड uh, में दो ग्रुप ऐसे हैं जो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी है इसलिए ये जो सी एच बंद है वो वीक है और किसी भी ऑर्गेनिक बेस के द्वारा इस हाइड्रोजन का निष्कासन H प्लस के रूप में हो जाता है देखिए ई टी ओ माइनस था ई टी ओ माइनस ने इस हाइड्रोजन को लिया और वो ई टी ओ एच के रूप में निष्कासित या एलिमिनेट या हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो गया इस तरह से और जो एन ए है वो एन ए प्लस के रूप में इस सी एच माइनस के साथ इस, यहाँ पर सॉल्ट बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ में प्राप्त होता है क्योंकि जो कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के पास रह गए तो सी माइनस अब इस जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उसका अल्काइल हेलाइट के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम आयोडाइड एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है और ये जो अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो ये जो अल्काइल एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उसका मिथाइलेशन या एल्काइलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं तो ये जो स्टेप है यहाँ पर जो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल्काइलेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड सक्रिय हाइड्रोजन यौगिक का एल्काइलेशन तो इस तरह से जो है ये सी एच बंध बना नया बंध बना और सोडियम हाइड्राइड यहाँ से निकल गया या सोडियम हेलाइड यहाँ से निकल जाता है अगर हम कोई भी हेलोजन इसके जगह पे यूज़ करते हैं तो तो ये जो कंपाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एस्टर कॉम्पटिटिव एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है जैम नेट स्लेट या दूसरे भी कम्प ये बी एस सी के नज़रिए से या सिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटोसिटिक एस्टर तो देखिए इससे हम यहाँ तक पहुँचे इसका एल्कोलेशन हो गया फिर दोबारा हमने सोडियम इथॉक्साइड का यूज़ किया जैसे हमने ये यूज़ किया था फिर हमने अल्काइल हेलाइड यूज़ किया यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और हाइड्रोजन है जो कि एक्टिव है क्योंकि उसके साथ जो है दो इलेक्ट्रॉन एट्रा, अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा और इसकी जगह ये आर ग्रुप या आर प्राइम ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ आर आई की जगह आर प्राइम लिखिए आप आर प्राइम लिख सकते हैं आर और आर प्राइम दोनों एक समान हो सकते हैं एक तो दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं तो आप देखिए कि इसके बाद जो ये डाई अल्काइल एसिटोसिटिक एस्टर हमको मिला क्योंकि दो बार अल्कलेशन हो चुका है ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक समान हो सकते हैं या एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं एक दूसरे से भिन्न है तो प्राइम लिखिए आप यहाँ पर और उसके बाद इसका कीजिए करते हैं हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस किया जब जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन सी ओ के साथ ये ऑक्सीजन और ई टी ओ के साथ ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये ई टी ओ एच यहाँ निकला उसी तरह से ये सी ओ टू जो है वो ये निकल गया और जो बाकी बचा हुआ जो है हिस्सा ये कीटोनिक है ध्यान दीजिए कि ये मिथाइल कीटोन है तो हम एसिटो एस्टर से मिथाइल कीटोन इच्छित मिथाइल कीटोन प्राप्त कर सकते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर का नाम यूँ याद कीजिएगा कि ये है एसीटो ग्रुप और ये एस्टर है इसका नाम एक और भी है इथाइल एसिटो एसीटेट तो ये है एसीटेट और ये इथाइल ग्रुप और इथाइल एसिटो एसीटेट इसलिए है क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये है एसिटिक एसिड इस एसिटिक एसिड का एस्टर जब बनाया जाता है तो वो इथाइल एसीटेट कहा जाता है और देखिए इस इथाइल एसीटेट का एक हाइड्रोजन हटा के अगर ये दो हाइड्रोजन रह जाते हैं उस एक हाइड्रोजन को हटा के अगर एसीटो ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पर तो इसका नाम होता है इथाइल एसिटो और एसीटेट तो इस तरह से इथाइल एसिटोसीटेट या एसीटोसीटेट एस्टर इस कंपाउंड का नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आ, जैम नेट आ, स्लेट और आ, बी एस -सी, सी सब के नज़रिए से तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेन्थसिस देखिए वन थ्री डाइथाइन वन थ्री डाइथाइन इसलिए वन और तीसरे फर्स्ट और पहला और तीसरा जो कार्बन है का एटम है वो सल्फर है तो आ, वन टू एंड थ्री वन थ्री डाइथाइन ये भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है यहाँ ये हाइड्रोजन एक्टिव है और इसका जो है आ, आ, आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ यहाँ रिएक्शन करवाया तो ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव होने की वजह से हटके यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लिथियम जो कंपाउंड इंटरमीडिएट यहाँ प्राप्त होता है इसका एल्काइलेशन या कर सकते हैं आप किसी भी एल्काल हेलाइड के द्वारा एल आई बी आर निकल जाएगा और इस जगह पे एल्काल ग्रुप जुड़ जाएगा जो कि एक्टिव हाइड्रोजन था उसकी जगह अल्काइलेशन हुआ है ये प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने इससे पहले अभी एसिटोएसिटिक एसिटोसिटिकस्टर इथाइल एसिटोसिटेट में देखा था इसका फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं क्लोराइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में और आप देख सकते हैं कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं ये ब्रेक होते हैं और इसकी जगह ऑक्सीजन लग गया ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं इस कार्बन आइटम के समेत इसके साथ वो ये है कार्बन आइटम दिस इज दिस कार्बन आइटम एंड दिस टू आर द एल्काल ग्रुप्स ओवर हीयर सो यू आर गेटिंग अ कीटोन फ्रॉम दिस ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है उससे ये डिज़ायर्ड या इच्छित कीटोन प्राप्त होता है इच्छित क्यों बिकॉज uh, ये जो हाइड्रोजन है सॉरी ये जो अल्काइल ग्रुप है वो भी हम अपने मर्जी से अपने ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं और दूसरा जो ये अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर हमने लगाया है वो भी अपने पसंद के की कीटोन को अपने डिज़ायर्ड कीटोन को प्राप्त करने के लिए लगाया है तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो है ये बॉन्ड्स टूटते हैं और इस तरह से आपको डायथाइल प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ एस एच जुड़ा यहाँ एस एच जुड़ा ये दोनों एस एच यहाँ से हो जाएगा और बीच में एक दो तीन थ्री सी एच टू ग्रुप्स और इस तरह से ये साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा और ये है आपका मेन प्रोडक्ट जो कीटोन का सिंथेसिस आप पढ़ रहे हैं सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस क्योंकि एक्टिव मेथलिन ग्रुप जो है वो आपके uh, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जो कि संश्लेषण में या सिंथेसिस में काम आते हैं आइए देखते हैं इनामीन से कीटोन uh, का सिंथेसिस इनामीन जो है uh, वो भी एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से प्राप्त हुआ देखिए ये कीटो ग्रुप है या कार्बोनाइल ग्रुप है कार्बनइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इस वजह से जो है इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है वो साइड वाले कार्बन से खींचने की कोशिश करता है और ये अपनी कमी आ, सबसे जो वीक होता है इस कड़ी में हाइड्रोजन उससे खींचने की कोशिश करता है सो so ये एक्टिव हाइड्रोजन हुआ इधर और इसका जो है एमीन के साथ रिएक्शन जब करवाया गया तो फिर इस तरह से आपको एमीन मिलता है और इनामीन मिला है दिस इज इनामीन बिकॉज ये इन यानी डबल बॉन्ड और आप इसको यूं करके देख सकते हैं आ, कि इसके अंदर से हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये इनका एलिमिनेशन अगर करते हैं तो एच टू ओ टोटल में ये हालांकि इसका मैकेनिज्म नहीं है लेकिन यहाँ मैकेनिज्म सारा जानने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है इस लेवल पे आप सिर्फ इसका जो बेसिक है ओवरऑल मकानिज़म यहाँ पर ओवरऑल जो स्टेप है वो दिखाया गया है तो इस तरह से इनामिन बनता है इनामीन इसलिए एमीन इसके लिए और इन इसके लिए तो इन है इस डबल बॉन्ड के लिए एमीन है इस एनआर टू ग्रुप के लिए तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम इनामीन हुआ अब इसका फिर एल्काशन किया जा रहा है एल्काशन में आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर जो है वो अल्काल ग्रुप जुड़ा है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हुआ सी माइनस डेल्टा माइनस के रूप में यहाँ पर आ गया और इस माइनस uh, uh, की वजह से ये आर प्लस जो है वो यहाँ पर जुड़ा और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है इसको आप डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखा सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को और आप uh, इधर पा सकते हैं कीटोन uh, की यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा एच टू अगर आप जोड़ते हैं तो ना आपको एन एच फोर प्लस मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको एक आयन बाई प्रोडक्ट के रूप में लेकिन आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह से भी देख सकते लिख, लिख सकते हैं कि इसमें से जो है, है किचोन प्राप्त हुआ हमको और यू कैन आप यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के यहाँ डॉटेड लाइन लगा के वाटर के साथ इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं तो इच्छित कीटोन इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रुप है एल्ल ग्रुप को हमने अपनी मर्जी से अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें ऐड किया है या इंसर्ट किया है सो so, uh, मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा थैंक यू फॉर बींग विथ मी